गांडे विधानसभा क्षेत्र में कौन बन गया है बीमार और किसकी बनेगी? घुमा जा, घुमा घुमा। अर्जुन बैठा जिंदाबाद, अर्जुन बैठा जिंदाबाद, अर्जुन बैठा जिंदाबाद, पेट बल्ला जिंदाबाद, अर्जुन बैठा जिंदाबाद जी, बैठा जिंदाबाद। जी नमस्कार, तो आप देख पा रहे हैं अर्जुन सेना है तैयार। जी नमस्कार, तो आप देख पा रहे हैं अर्जुन सेना है तैयार और कह रहा है कि इस बार चाहिए लोकल उम्मीदवार। हम लोग उसी मैदान और उसी गांडे की धरती पर आज यहां पर आपको लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रही है। जो आप अर्जुन सेना का कारवां आप देख पा रहे हैं, एक बार चारों तरफ घुमा करके दिखा दीजिएगा। ये जो देख पा रहे हैं यह अर्जुन सेना का पूरा जत्था जो दिख रहा है गांडे विधानसभा क्षेत्र को फतेह करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आखिर कैसे तैयार है, कैसे करेंगे फतेह, हम लोग बात करेंगे अर्जुन सेना के साथियों से और जानेंगे। तो यहाँ पर काफी संख्या में है, महिला साथी भी काफी लोग हैं। देखिए नंदनी जी भी यहाँ पर, कैसे जीतने जा रहे हैं आप लोग गांडे विधानसभा? हम लोग जिस तरह से पूरा फील्ड बनाए हैं उसी के हिसाब से जीतना है अब हम लोग को। फील्ड बनाए उस हिसाब से जीतेंगे। बिंदु जी कैसे जीतने जा रहे हैं? हम लोग का संगठन का जनधार है अर्जुन भैया के साथ में। इतना टेंशन में कहाँ बोल रही हैं आप? कहाँ टेंशन में बोल रहे हैं, बिंदास बोल रहे हैं। बिंदास बोल रहे हैं, यस। सरिता जी कुछ कहेंगे? हाँ बोलेंगे, इस बार हम लोग को लोकल उम्मीदवार चाहिए और इसलिए अर्जुन भैया का साथ है, अर्जुन भैया को जिताएंगे, अर्जुन भैया को जिताएंगे। सितारा परवीन जी यहाँ प्रखर प्रवक्ता मौजूद है, कैसे आप फतेह करने जा रहे हैं गांडे विधानसभा? थोड़ा खड़ा होकर बताइए ताकि पीछे वाले लोग भी देख लेंगे, बताइए। जिस प्रकार से चार सालों से भैया हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे देख रेख रहे हैं, जिताए तो हम लोग बहुतों को हैं, लेकिन उन लोग फील्ड पे काम नहीं किए हैं, जमीनी में काम नहीं किए हैं। जमीनी में अगर कोई काम करने वाले थे तो यही भैया थे। क्या खास है अर्जुन बैठा में जो आप लोग पूरा जत्था बनाए हुए इनके साथ है, क्या खास? ये जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं। अच्छा। ये गिरे हुए लोगों को देखते हैं, लोग दूर से भाग जाते हैं, खाली वोट लेना होता है इन लोगों को। सुख दुख में साथ देते हैं, बस सुख दुख में ये हमारे साथ है। सुख दुख में जी बिल्कुल, सुख दुख में साथ है तो निश्चित रूप से रहेंगे। और कोई कुछ कहना चाहेंगे अर्जुन भैया के लिए? कोई और साथी लोग कुछ कहेंगे क्या, बताइए? ये कहना है कैसे जीतने जा रहे हैं? हम लोग जो महिला कमेटी बना उस पर बहुत भरोसा है, और जेंट्स से भी भैया लोग से निवेदन है कि इस बार सहयोग कीजिए। हम लोगों को हवाई जहाज में घूमने वाली नेता नहीं चाहिए, आप समझ सकते हैं। हम लोग को जमीनी वाला चाहिए, उनको नेता चाहिए। तो देख पा रहे हैं काफी लोगों का जोश जज्बा है। आप लोग भैया कुछ कहिएगा, हम बोलेंगे नहीं। या कारवां चल रहा, आप लोग कुछ बोलना चाहें अर्जुन भैया के लिए, अर्जुन सेना वाले आप लोग साथी लोग कुछ कहना चाहें तो बोलिएगा। चलिए पांडे जी से लेते हैं, कैसे जीतने जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम लोग चार पांच साल से जो फील्ड सजाए हैं, और हम लोग का छाप भी बल्लेबाज दे दिया, यानी कि क्रिकेट छाप दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जानकारी दे दे दर्शकों आप लोगों को कि बल्लेबाज छाप अर्जुन बैठा को मिला है। इस बार का छाप बल्लेबाज छाप है, खेलेंगे या खेल को बिगाड़ेंगे ये देखने की बात है। और पांडे जी बोलिए। निश्चित तौर पर हम लोग फील्ड सजा चुके हैं और छाप भी खेलेंगे, जीतेंगे या खेल बिल्कुल जीतेंगे। हम लोग हारने वाले में से नहीं है, हारने वाले में पूरा हैवी तैयारी है। जो प्रैक्टिस लगातार करता है उसका जीत निश्चित होता है। तो देख रहे हैं खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। पंकज जी कुछ कहेंगे आप? हम लोग जिस तरह से पिछले पांच साल से मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आज दिख रहा है। आप बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं? हम बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं, दोनों कर। जीतेंगे भी? एकदम बिल्कुल जीतेंगे। देख रहे हैं जोश और जज्बा, केदार भाई बताइएगा, जिला परिषद सदस्य महोदय। सबसे पहले आपको धन्यवाद अर्जुन सेना टीम में आए हुए। हम लोग अर्जुन सेना पूरी तरह से तैयार है गांडे विधानसभा में, और पूरी तरह से तैयार है जिताने का भी हम लोग दावा कर लिए हैं, और बल्लेबाज छाप भी आ गए हैं। खाली सिर्फ छक्का मारना है, खाली छक्का मार, खाली छक्का मारेंगे, अगर चौका मारना है, चौका रुका कुछ नहीं, खाली छक्का लगेगा। तो देख पा रहे हैं खाली छक्का मारेंगे, खाली छक्का मारने के लिए तैयार है भाई साहब। आप कहेंगे आप कौन सा, चार रन या डायरेक्ट छक्का? आप भी नहीं, धन्यवाद आपको जी। और जैसे आप जानते हैं कि पिछले चार साल से हम लोग पूरा हर बूथ स्तर पर महिला पुरुष का संगठन खड़ा किए हुए थे, आज उसका परिणाम आप देख सकते हैं कैमरा घुमा करके, किस प्रकार के जो यहाँ सत्ताधारी पार्टियां हैं, किसी के पास इतना मौसम खराब होने के बावजूद भी ये भीड़े नहीं कर सकते हैं। ये गांडे विधानसभा के दूर दराज से आए हुए सभी माताएं बहने यहाँ पर जुटी हुई हैं,
आप लोग देख सकते हैं खुशी की बात है जो इनको छाप मिला है, बलिवाद छाप, जो चुनाव लड़ रहे थे जिला परिषद सदस्य में उसमें वही छाप मिला था, यही छाप मिला था जी, और चुनाव जीते भी, छाप लकी है इनके लिए, इनके लकी है और संजोग से फिर मिल गया है। और गांडे उपचुनाव जो है हम लोग जीत रहे हैं गांडे में, बड़ी भारी मोहम्मद देख पा रहे हैं, लकी छाप बोल रहा है, बेट बल्ला छाप। महेंद्र महतो जी प्रखंड अध्यक्ष है, बड़ा धुआंधार बात करते हैं, आज कैसे जीतने जा रहे हैं आप लोग बल मार करके चार रन या ऐसे ही नो बॉल में? बहुत बहुत धन्यवाद बीएनबी चैनल को, आपने हम लोगों को अर्जुन सेना के टीम को बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं आपको। और हम लोगों ने एक एक रन करके बटोरेंगे पहले और हैट्रिक मार के निकालेंगे, सिक्स मार के जिताएंगे पार्टी को, ठीक है। रन तो एक एक करके ही लेना है, लेकिन उठा के बल्ला मारेंगे और सिक्स से जीतेंगे। कैसे जीतेंगे जी, कैसे जीतेंगे, एक एक रन से कैसे जीतेंगे? अभी समय का एक एक रन करके जोड़ेंगे भैया और छक्का मार के जिताएंगे, क्योंकि सामने वाले रन ही नहीं बना पाएंगे ना, ऑल ओवर आउट कर देंगे, 10 ओवर में फाइनल कर देंगे उन लोग को, विकेट गिरा देंगे, विकेट गिरा देंगे। तो आप लोग इनके पास देख सकते हैं देवी शक्ति, जिनके पास इतना हो उनको कहाँ डर है जीतने का हारने का, वो तो कभी भी हम लोगों के सहयोग में आप देख रहे एक फोन पर, मतलब फील्डिंग आप लोग कर चुके हैं, बैटिंग करना है बिल्कुल। और आपको बता देते हैं हम लोग को हवाई जहाज वाला नहीं, हवाई चप्पल वाला चाहिए, ठीक है, हम लोग को हवाई चप्पल वाला चाहिए, जो हवाई चप्पल सभी सभी आप देख लीजिए हवाई चप्पल वाले है, ठीक है, हेलीकॉप्टर वाले नहीं, हवाई चप्पल वाला नेता चाहिए जी। और कौन है हवाई चप्पल वाला नेता? हमारे अर्जुन भैया है, अर्जुन भैया है, देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि हवाई जहाज वाला नहीं, हवाई चप्पल वाला नेता चाहिए, जो अर्जुन बैठा है हवाई चप्पल पहन करके घूमते हैं, जनता के सुख दुख में साथ देते हैं। और कोई दीदी सब कुछ कहिएगा, बोलिएगा, क्या कुछ बता दीजिए, ऐसा नहीं कि कह दीजिएगा कि हमको बोलने नहीं गया, बताइए भाई लोग साथी लोग कुछ बोलिएगा। सब शांत, अर्जुन सेना क्या बात है, शांत कैसे ले लिए आप लोग? हाँ बोलिए भैया। धन्यवाद, हम लोगों को लोकल उम्मीदवार चाहिए, और जो अभी तक चार साल में जो साथ दिए हैं हम लोग उनको साथ हैं, और ये जो महफिल है इससे भी पता चल रहा है, और हारने के बाद भी जो साथ रहेंगे उसको देखना है, ऐसा ना कि जीतने के बाद तो कहाँ चल जाते पता नहीं चलता है, हम लोग जीतेंगे फिर भी हम लोग के साथ है, हारेंगे फिर भी हम लोग के साथ है, हम लोग उस नेता को जिताएंगे, और मेरा वो अर्जुन बैठा जी है। गांडे का पोजीशन पता करते हैं भैया, थोड़ा गांडे वाला भैया, कैसे आप लोग जीतेंगे, कैसे क्या चल रहा है गांडे में भी? धन्यवाद आपके चैनल को। इस बार भाजपा का चेहरा एक तरफ जेएमएम लुटेरी सरकार का चेहरा और एक तरफ अर्जुन जी का दिल, हम तो लोगों को यही कहेंगे कि दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। क्या बात है, क्या बात है, कहते तू नहीं लेकिन तेरी उल्फत अभी तक मैं दिल में है, बुझ चुकी है समा फिर भी रोशनी में फिल्म है। देखना यह है कि अर्जुन बैठा यूं कहें कि इस बार का जो मैच होने जा रहा है यह त्रिकोणीय मैच हो चुका है, अब क्या कहते हैं यहाँ के जो गांडे विधानसभा के प्रत्याशी, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और अर्जुन सेना के नाम से विख्यात हो चुके हैं, लगातार चार सालों से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, आइए उनसे हम लोग बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे जनता का नाम क्या संदेश रहेगा गांडे विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए, मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे अर्जुन जी, उन्हीं से बात करेंगे। जूनियर बगल में अर्जुन जी, आप भी अर्जुन जी हुए, अर्जुन जी नाम हुआ, क्या पूरा नाम बताइए? अर्जुन कुमार शर्मा। अर्जुन कुमार शर्मा जी, तो कैसा चल रहा है शर्मा जी, कैसे जीत रहे हैं आप लोग? हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं, आज हम लोग चार साल के दरमियान में हम लोग जो संगठन और हर पंचायत में जनाधार बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो किए हैं संगठन वो दिखाने वाला, हम लोग बोलने का नहीं, दिखने लायक है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और हम लोग किसी पार्टी या किसी ब्रांड पर नहीं, हम लोग भारी मतों से, हम लोग अर्जुन बैठा, हम लोग विजय यहाँ से हासिल करवाएंगे। एक बात रह गया, हम लोग का जब सीट टक्कर है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कल्पना सोरेन और हमारे उसमें बीच में टक्कर, हमारा अर्जुन बैठा है, उसके बीच में कोई नहीं है, बीजेपी बर्मन है, बीजेपी हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र के नहीं, बीजेपी दिलीप वर्मा तो आज हमारा गिरिडीह के है, हमारा लोकल उम्मीदवार चाहिए हर जनता। एक बात बताते, दिलीप वर्मा से मैं चैलेंज करता हूँ कि भैया के कल का हम लोग का कोई रिपोर्ट नहीं है, आज हम लोग का 12 बजे रिपोर्ट दिया भैया फोन के माध्यम से, और हम लोग देख रहे हैं कि कितना हम लोग जनता उनका कार्यकर्ता कितना साथ में देखे होंगे, इसलिए हम लोग किसी पर नहीं जाना, हम लोग टक्कर है सिर्फ कल्पना सोरेन के साथ टक्कर, बीजेपी से कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं है बीजेपी के साथ, हम लोग के साथ में कोई किसी का टक्कर नहीं है, सिर्फ कल्पना सोरेन के साथ टक्कर है, और कल्पना सोरेन जब सरफराज अहमद लेकर अपना क्षेत्र में घूमेंगे इनको हम लोग एक जवाब मांगेंगे कि कल जो हम लोग गांडे उपचुनाव का जो हो रहा है उसमें रीजन क्या है, आपको जनता ने आपको जीत करके विधायक बनाया था, जनता आपको इस तरह कर इस्तीफा देने के लिए आपको नहीं भेजा था, हर पंचायत में हर गांडे विधानसभा क्षेत्र में
हर गांडेर मुंह फसीर रहे या हमारे बेंगाबाद में रहे, इसको सरफराज कल्पना सोरेन के साथ में इसको घूमना इसको मुश्किल हो जाएगा और जनता इनसे सवाल पूछेगा, इनको भागने के लिए इसको रास्ता नहीं मिलेगा आने वाले दिन में। इसलिए हम लोग जीत हम लोग पूरा हासिल, हम लोग भरीपूर हम लोग सहमत जाकर के हम लोग बैठे वाला छाप पर हम लोग, और अर्जुन बेटा यहाँ विधायक बन रहा है अदम, उसमें कोई दुमत नहीं है। चाहे हम लोग बीजे जुलूस का तैयारी कर रहे हैं, पड़ाकार माला का हम लोग देख पा रहे हैं। जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है अर्जुन सेना में। हम लोग अर्जुन जी से ही बात करते हैं कि जो अर्जुन सेना के जो साथी लोग हैं अभी अपनी अपनी बातों को रखा है, अब अर्जुन जी क्या कहते हैं जो इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे कि अपने क्षेत्र की जनता जो मतदाता आपके हैं उनके नाम क्या संदेश रहेगा, उन मतदाताओं को आप क्या कहना चाहते हैं, उन मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं जी। आज हमारे सभी हमारे माता बहन हमारे भाई बहनों और आपको भी सभी को अपने से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम लोग को 6 तारीख को सैंपल मिला था, सैंपल बहुत अच्छा मिला है। और जिस समय हम जिला परिषद लड़े थे उस समय हम भी निर्दलीय थे, सभी दल को छोड़ के हम निर्दलीय लड़े थे और गांधे के जनता ने हमको समान सीट से भेजने का काम किया था। आज भी समान सीट है और हमको बल्लेबाज मिला, हमको जनता यहाँ के भेजने का काम करेंगे, विश्वास मेरा पूरा है। पहले भी यही छाप मिला था, पहले भी यही छाप था और आज आप जो मैदान में देख रहे हैं, आप सब बोलता है निर्दलीय से लड़ रहे हैं, लेकिन निर्दलीय नहीं, हम लोग जनता जो कार्यकर्ता जो मेरा है ना एक साथ और दल है, निर्दलीय नहीं उसको दल बोला जाता है, दल हम लोग का साथ है और हमारे माता बहने सभी है। और जब क्रिकेट में खेलने जाता है तो यहाँ के झारखंड के सभी खिलाड़ी पुरुष रहते हैं, लेकिन आज हमारे गांधी विधानसभा में माता बहन भी खिलाड़ी हैं, एक एक खिलाड़ी है और एक एक खिलाड़ी छक्का मारेगी। और गांधी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जो रात में जो मैसेज किया है वो सुन के आप सभी हमारे माता बहने भाइयों ने आंसू बहा दीजिएगा, ऐसा मैसेज किया है, कहिएगा तो हम पढ़ के भी सुना सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप ऐसे ही कह दीजिए, आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में 11 उम्मीदवार है जिसमें दलित समाज का मैं अकेला, उसमें तो वर्मा भी समाज थे उनको क्यों नहीं लिखा, इसमें लिखा है आप लोग सुन लीजिए जो लिखा है, सुन लीजिएगा सभी लोग सुनिएगा ध्यान से, देखिए लिखा हुआ है ए बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, दुनिया का सच सब नीचे घटिया धोबी है, सब लिखा है, सभी घटिया नेता अर्जुन बैठा आदमी पैसा के नीचे गिर जाते हैं, पता नहीं था कि पैसे के लिए अपनी पत्नी बेटी बहू बहन को भी दाव में लगा सकता है। और लिखा है कि आदमी रात में बीजेपी के साथ बात करते हैं और सुबह जेएमएम के 1 करोड़ रुपया लेकर चुनाव लड़ने का तैयारी कर जाते हैं, आदमी पैसे के लिए बीच में बाजार में नंगे घुमा सकते हैं। ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दिलीप वर्मा का जोर नाम लिखा है, ये शब्द आपके साथ है, ऐसे हम लोग के साथ बर्ताव करता है कि हमारे हम निर्दलीय हैं तो क्या हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या, 11 प्रत्याशी में एक प्रत्याशी हमको लिख के भेजता है कि इस तरह का हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और मेरा मान सम्मान पर ठेस पहुंचाया, मैंने अफ्यार करने के लिए भी दे दिए हैं। टेंशन ना करो अर्जुन, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। टेंशन ना करो अर्जुन, तुम्हारे हम लोग साथ हैं। तो देख पा रहे हैं बीजेपी वालों ने गंभीर आरोप लगाया है अर्जुन बैठा पर और कई ऐसे शब्द कहे हैं जिसके लिए एफआईआर के लिए भी इन्होंने हायर कर दिया है और आवेदन भी दे दिया, क्या इस मामले को लेकर आवेदन आपने दिया थाने में? गांधी थाना आवेदन दे दिए हैं और खास करके हम लोग के बीच में ये इतना तक हम नहीं समझे थे कि संस्कार पार्टी हो सकता है, लेकिन संस्कार पार्टी ऐसा नीचे असर नहीं गिरा सकता जो मेरे साथ किया है। तो खुलासा कर सकते हैं कि किनके नाम किनके माध्यम से आपके पास जो मोबाइल व्हाट्सएप हम दे चुके हैं थाना में, वो पकड़ेंगे कौन क्या नहीं किया, लेकिन पता क्लियर हो गया है, थाना में आवेदन हम दे चुके हैं मोबाइल के माध्यम से। दूसरा चीज है आज हम लोग खास करके जो हमारे छाप जो मिलना था इसलिए हम बैठक
कल सबको सूचना दिए थे और आज 12 बजे सबको सूचना मिला है। हमारे जो माता बहन है कुछ नहीं पहुंच पाएगी बरसात के कारण, कुछ हमारे बीच से घूम गई है जो गिरी साइड के हैं, बदवारा साइड के हैं, लेकिन कुछ हमारे साथ सभी करीब करीब सभी पंचायत से पहुंचे हुए हैं। मैं अपने उससे आप सभी को आश्वासन देता हूँ कि हम बीके नहीं है, बीकेंगे। तो देख पा रहे थे काफी रुआंसे में और कई गंभीर आरोप लगाया जा रहा है गांडे विधानसभा के प्रत्याशी अर्जुन बैठा के द्वारा भाजपा के ऊपर। बने रहिए बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जय थे, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।